जी जो काटती थी ना, वो मुझे उनको मैं बहुत अच्छी लगती शुरू से ही, और मुझे भी वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी कहीं ना कहीं उनमें एक माँ नज़र आती है, और अभी वो मुझे जब मिलती है मुझे अपने पास बुलाती हैं और बताती हैं कि उनके फैमिली में एक ये रिवाज है कि जो उन्हें मतलब बहू होती है घर की, उसको अपनी सबसे कोई कीमती चीज़ भी नहीं कहेंगे लेकिन बहुत प्यारी चीज़ दी जाती है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो मुझे क्या दे, तो फिर उन्हें याद आता है कि मेरी माँ की चूड़ियाँ जो है वो उनके पास है, जो मम्मा ने मेरे लिए दी थी और गलती से उनके पास कई साल कई महीनों पहले पहुँच गई थी, फिर मुझे वहाँ पे वो सब चीज़ें बताती हैं और वो मम्मा की चूड़ियाँ देती हैं, ऑब्वियसली माँ की याद आ जाती है, नायरा इमोशन हो जाती है, वो खुद भी इमोशन हो जाती है। कैमरा रुक है, उनका बेटा है, उनका जो बेटा है वो उनसे बहुत खपा खपा रहता है हमेशा, और वो हमेशा से कार्तिक को प्यार करना चाहती थी, माँ कार्तिक ही बनना चाहती थी लेकिन वो बन नहीं, उन्हें कहीं ना कहीं मुझ में अपना बच्चा दिखता है। कार्तिक इसी तरह आपका एंग्री मैन वाला लुक देखने वाला, काफ़ी भड़क गए थे नायरा के ऊपर, बहुत टाइम बाद गुस्सा हुआ मैं है ना, मुझे बहुत मिस कर रहा था। हाँ बहुत दिस थिंग हैपेंस, क्योंकि इससे पहले एक बहुत ही क्यूट सा मोमेंट गया जहाँ पे नायरा और कार्तिक डिसाइड करते हैं कि वो सोशल मीडिया का व्रत रखेंगे, मतलब जैसे एंगेजमेंट हो चुका है वैसे वो लोग ना मिलेंगे, ना फ़ोन पे बात करेंगे, ना मैसेज करेंगे, और यहाँ पर किसी तरह एक दूसरे को ढूंढ के देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो उन्हें देखने जा रहे हैं वहाँ पर वो देख लेते हैं कि नायरा स्वर्णा जी की चीज़ की। अच्छा ये भाभी माँ का गणपति से फ्रेंडशिप कराने का भी कुछ प्लान था क्या, था वो बताइए। मम्मा को भगवान ने हमसे छीना है, दादी भगवान से रूट गई है, उन्हें भगवान से ना उनकी पूजा करनी है, उनसे मतलब उधर बात ही नहीं करनी, तो वो भगवान से रूठी हुई है, मैं उन्हें समझाती हूँ, यहाँ आने से पहले भी उन्हें समझाती हूँ कि हम सब ने समझौता कर लिया दादी भगवान के साथ, तो आप क्यों नहीं कर रही हैं, प्लीज़ आप भी कर लीजिए, प्लीज़ मान जाइए और पूजा में हमारे साथ चलिए, उनका मन है लेकिन भगवान की पूजा वो इसलिए आना नहीं चाहती, और फिर कार्तिक नायरा और नक्श मिलकर प्लान बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि वो जो मूर्ति लाते हैं वो गलत मूर्ति लाते हैं, जो जिसकी सुन दूसरी तरफ होती है, तो दे ब्रिंग अ डिफरेंट रॉन्ग मूर्ति, तो वो देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं कि आप पूजा कैसे होगी, दादी कहती है नक्शे कि आप नहीं जा सकती क्योंकि आप पूजा में शामिल हो चुके हैं, तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बची थी, वो थी दादी, और जैसे ही नरेश जी ने दादी को बात बता दी, दादी नहीं चाहती थी उनकी पोती की लाइफ की नई लाइफ की शुरुआत होने जा रही है, और उसमें मतलब शुरू में ही कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इसलिए उन्हें विघ्न आ जाए, तो इसलिए उन्हें आना ही पड़ा।